हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है स्टिल आई राइज, जो कि एक मोटिवेशनल पोएम है जिसे माया एंजेलो ने लिखा है, जो हमें हर सिचुएशन में खुद को उभारने का, खुद को स्ट्रांग बनाने का मैसेज देती हैं। माया एंजेलो एक निग्रो ऑथर थी, नाइजीरियन पोइट थी। इस पोएम में उन्होंने जब भी आई या मी का यूज़ किया है, वहाँ वो पूरे निग्रो समाज का बात करती हैं, और जहाँ वो यू वर्ड का यूज़ कर रही हैं या सेकंड पर्सन का बात कर रही हैं, वहाँ वो ऑप्रेसर, जो गोरे लोग हैं जिन्होंने निग्रो लोगों को ग़ुलाम बनाया था, उन पर जुल्म किया था, वो उनका बात कर रही हैं। पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में पोइट माया एंजेलो बोलती हैं, यू मे राइट मी डाउन इन हिस्ट्री विथ योर बिटर ट्विस्टेड लाइज, यू मे ट्रॉड मी इन द वेरी डर्ट, बट स्टिल लाइक डस्ट आई विल राइज। यहाँ पोइट माया एंजेलो अपने ऑप्रेसर, जो जुर्म करने वाले गोरे लोग हैं, उनसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो हिस्ट्री में मेरे बारे में भला बुरा लिख दो, अगर तुम चाहो तो झूठी बातें लिख दो, या फिर तुम धूल में कुचल क्यों ना दो, फिर भी मैं धूल की तरह हवा में उड़ूंगी। तुम मुझे हरा सकते हो, मेरी इच्छा शक्ति को नहीं हरा सकते। सेकेंड स्टैंजा में पोइट बोलती हैं, डज माई सैसीनेस अपसेट यू, वाई आर यू बीसेट विद ग्लू, बिकॉज आई वॉक लाइक आई हैव गॉट ऑयल वेल्स पम्पिंग इन माई लिविंग रूम। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो निग्रो लोग हैं उनकी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, उनको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं रहती, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो यहाँ जो पोइट है वो बोलती हैं कि हमारा जो ये एटीट्यूड है, क्या तुम्हें वो अपसेट कर रहा है? क्योंकि तुम लोगों के इतना जुर्म करने के बाद भी हम नाराज़ नहीं रहते, क्या ये बात तुम्हें परेशान कर रही है? और वो बोलती हैं कि हम इस तरह के एटीट्यूड में चलते हैं जैसे हमारे घर के पीछे ऑयल वेल्स हों और हमें किसी भी तरह की कमी ना हो। स्टैंजा थर्ड में पोइट बोलती हैं, जस्ट लाइक मून्स एंड लाइक सन्स विद द सर्टिनिटी ऑफ टाइड्स, जस्ट लाइक होप्स स्प्रिंगिंग हाई, स्टिल आई विल राइज। यहाँ वो बोलती हैं, जिस तरह सूरज और चांद उगते हैं, जिस तरह समुद्र की लहरें आगे बढ़ती हैं, और जिस तरह हमारी होप्स, इच्छाएं बढ़ती हैं, ठीक उसी तरह मैं भी आगे बढ़ूंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। स्टैंजा फोर में पोइट बोलती हैं, डिड यू वॉन्ट टू सी मी ब्रोकन, bowed head and lowered eyes, soldiers falling down like teardrops, weakened by my soulful cries. यहाँ पोइट पूछती हैं, क्या तुम लोग जो जुन करते हो, क्या चाहते हो? हम लोग टूट जाएं, बिखर जाएं, हमारी आंखें और हमारा सर तुम लोगों के सामने झुका रहे, हमारे कंधे इस तरीके से झुक जाएं जैसे हमारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और हमारा जो सोल है, आत्मा है, वो वीक हो जाए, कमज़ोर हो जाए। फिफ्थ स्टैंजा में पोइट बोलती हैं, डज माई हॉटिनेस ऑफेंड यू, डोंट यू टेक इट ऑफुल हार्ड, बिकॉज आई लाफ लाइक आई हैव गॉट गोल्ड माइंस डिगिंग इन माई ओन बैकयार्ड। यहाँ वो बोलती हैं कि क्या तुम हमारे स्वतंत्र व्यवहार से नफरत करते हो? क्या तुम्हें हमें इतनी मुश्किलों में भी खुश देखकर नफरत हो रही है? क्योंकि हम लोग ऐसे खुश रहते हैं जैसे हमारे खुद के पिछले आंगन में सोने की खदान हो। दोस्तों, यहाँ पोइट ऑपरेशर, जो जुर्म करते हैं, उन्हें मैसेज देना चाहती है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे। हो सकता है कि तुम हमें मारो पीटो, लेकिन तुम हमारे शरीर को झुका पाओगे, हमारे विल पावर को नहीं झुका सकते तुम। यहाँ स्टैंजा सिक्स में पोइट बोलती हैं, यू मे शूट मी विथ योर वर्ड्स, यू मे कट मी विथ योर आईज, यू मे किल मी विथ योर हार्ट हेटफुलनेस, बट स्टिल लाइक एयर आई विल राइज। यहाँ पोइट बोलती हैं कि चाहे तुम कितनी भी गंदी बातें बोलो, हमें भला बुरा बोलो, चाहे तुम हमें नफरत की नज़रों से देखो, चाहे तुम हमें अपने हेटफुल बिहेवियर से नीचा दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जैसे हवा को कोई नहीं रोक सकता, ठीक उसी तरह तुम हमें नहीं रोक सकते। सेवेंथ स्टैंजा में पोइट बोलती है, डज माई सेक्सीनेस अपसेट यू, Does it come as a surprise that I dance like I have got diamonds at the meeting of my thighs? यहाँ पोइट फीमेल के बारे में बोलती हैं कि मेरी जो सेक्सीनेस है, क्या वो तुम्हें अपसेट कर रही है? तुम्हें ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि मैं इतनी सेक्सी कैसे हूँ? क्या मुझे देखने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इस तरह बिहेव कर रही हूँ जैसे मुझे मेरे थाइस के बीच में डायमंड मिल गया हो?
यहाँ 8th स्टैंजा में पोइट बोलती हैं, आउट ऑफ द हर्ट्स ऑफ हिस्ट्री शेम आई राइज, अप फ्रॉम अ पास्ट दैट्स रूटेड इन पेन आई राइज, आई एम ब्लैक ओशियन लिपिंग एंड वाइट, व्हीलिंग एंड स्वेलिंग आई बियर इन द टाइड। यहाँ पोइट बोलती हैं कि हिस्ट्री में चाहे जो भी हुआ हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हिस्ट्री में दब कर नहीं रहने वाली हूँ, मैं आगे आऊँगी, मैं आगे बढ़ूंगी। वो यहाँ पूरे निग्रो समाज के लिए बोलती हैं कि हम लोग ब्लैक ओशियन की तरह है और जिस तरह लहरें आगे बढ़ती हैं ठीक उसी तरह हम भी आगे बढ़ेंगे। और पोइट बोलती हैं, लिविंग बिहाइंड नाइट्स ऑफ टेरर एंड फियर आई राइज इनटू अ डे ब्रेक दैट्स वॉन्ड्रसली क्लियर आई राइज। वो यहाँ ये बोलती हैं, जो भी हिस्ट्री में हमारे ऊपर जुर्म हुआ था वो सब भूलकर मैं आगे बढ़ूंगी और पहले का सब कुछ भूलकर मैं क्लियर फ्यूचर में कदम रखूंगी। दोस्तों पोएम के लास्ट लाइंस में पोइट माया एंजेलो बोलती हैं, ब्रिंगिंग द गिफ्ट्स दैट माय एंसेस्टर्स गिव, आई एम ड्रीम एंड द होप ऑफ स्लेव, आई राइज आई राइज आई राइज। वो यहाँ बोलती हैं, जो गिफ्ट हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया था वो सारी बातें आज भी हमारे साथ हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया था वो सारी बातें आज है हमारे साथ, हमें सब अभी भी आता है। मैं सारे स्लेव की उम्मीद हूँ और मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूँगी और हर सिचुएशन में उभरती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।